ये जमीन है ना प्रवीण जी, इतना बड़ा पत्थर डालो सर्कल पैदा होगा क्या? हाँ नहीं ना, जमीन पर कितना भी पत्थर डालो सर्कल पैदा नहीं होगा, और तालाब में छोटी सी कंकड़ डालो क्या होगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, महापुरुष जमीन जैसे थे, चाहे कितना भी उपसर्ग उन पर आया कुछ सर्कल पैदा नहीं हुआ, और कमजोर आदमी तालाब जैसा होता है, छोटी सी दिक्कत आती है और आउटपुट भयंकर को टिका दे देते हैं। मैं यहां बैठने वाले सिर्फ तीन एड्रेस आपके पास पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाले कोई भी हो उन सभी को, आप कितने लोगों का सहन कर सकते हो? शेखर जी बहुत गंभीरता से, ये सब्जेक्ट इज द वेरी सिंसियर, आप कितने लोगों का विदाउट आर्ग्यूमेंट मस्ती से सहन कर सकते हो? गुरुदेव का, माता पिता का, मित्र का, सोच के बोलना, आसान बात नहीं है अनिल, इतनी आसान बात नहीं है। हम बोले गुरुदेव आप तो कुछ भी बोलेंगे सहन कर पाएंगे, इट इज नॉट इजी, नॉट इजी। आपके जीवन में कितना एड्रेस है कि जिसकी ओर से कुछ भी आया आपके पास टॉलरेंट पावर है गुरुदेव? ओके, पहले जब भी ऐसे साधु साधु भगवान को पता चला कि मैं गुरुदेव भुवन भानु श्रीमान माने वो टाइम भानु विजय महाराज के चरण में जीवन समर्पित करने जा रहा हूँ, कई लोगों ने मुझे कहा था सहन नहीं कर पाएगा, इतना इनका स्वभाव गलत है। वो गलत थे, स्वभाव गलत नहीं था, वो खुद गलत थे। मगर मैंने बोला जो भी है चारित्र तो उनके पास ही लूँगा। जयेश क्या बहुत सोचने की बात, अनिल सीधी ये भी जल्दबाजी में तू मेरे हमको डिस्टर्ब करेगा, ऐसी मेरी भी कोई बात आएगी ना तो मन जल्दी एग्रीड होगा, वो जरूर नहीं है, क्लियर कर दूँ अभी। चलो ओके, अभी सच बताओ, तू मेरे पास आया और 10 लाख रुपया तू लेके आए कि गुरुदेव आपके चरण में रखता हूँ, आपको जहाँ भी उनका उपयोग करना है वहाँ कर दो। शेखर जी बराबर कितने? 10 लाख। यहाँ तूने रख भी दिया, मैंने तो ना बोला कि अनिल मैं तो पैसा रखता नहीं हूँ मुनि हूँ कुछ, मगर तू बोला गुरुदेव मुझे मालूम है, फिर भी आपके चरण में चॉइस आपकी, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ उपयोग कर देना। ओके चलो आगे, अभी सच बोलो, तू बैठा है 10 लाख तूने रखा, और उसी टाइम एक आदमी ऐसा आया जिसने तेरा 50 लाख का पेमेंट डुबाया है, और मैंने तुझे कहा नहीं 10 लाख उनको दे दे, क्या होगा? तूने मुझे ही दे दिया ना, अभी तो ये मेरा हो गया ना, तो अभी तुझे उनको देना है जिसने तेरा 50 लाख डुबाया है। विद हैप्पीनेस, क्या हुआ क्या? ना तूने 10 लाख दिया है ना मैंने उनको देने का बुलाया, नहीं ये कसौटी में कर रहा हूं, ये आसान नहीं है समर्पण भाव। हजार डिसीजन गुरु मेरे खिलाफ लेंगे और वो टाइम टॉलरेंस पावर, भगवान महावीर का टॉलरेंस पावर अधम के सामने भी था, चाहे चंड को सीखता चाहे कोई भी था, सभी ने भगवान को हैरान किया, भगवान का टॉलरेंस पावर हाइट पे था। मैं इतना नहीं कहना चाहता हूं, अधम की ओर से जो भी आए सहन करो नहीं कहना चाहता हूं, दो बात उत्तम और उपकारी दो की ओर से आ जाए उसको तो सहन कर लो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।